से पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण कहीं भी हो, चिंता मत कीजिएगा, खुदा की नजरें आपके ऊपर। फिक्र करने की बात नहीं है, खुदा आपको देख रहा है। सच बता, मैं ईमान के ऊपर खड़ा होकर इस बात को बाबा से बुलंद कह रहा हूं, खुदावंद खुदा आपको देख रहा है। आप किसी भी दिशा में और किसी भी घर में और किसी भी परिस्थिति में रहते हो, खुदा कह रहा है मैं तुमको ले आकर कहां बसाऊंगा, यरूशलेम में। यरूशलेम में। अब पढ़िए इसकी 13वीं आयत पढ़िए। हाँ, हे यहूदा के घराने, हे यहूदा के घराने और इसराइल के घराने, और इसराइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति, ध्यान देने वाली बात है, हे यहूदा के घराने, हे इसराइल के घराने, और हम इस बात पे यकीन करते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, और जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोकर शुद्ध हो जाते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे पापों को माफ कर देता है, तो हम उसके घराने का अंग बन जाते हैं, हम घराने में शामिल हो जाते हैं। और यहां पर लिखा है हे यहूदा के घराने और इसराइल के घराने, देखिएगा क्या लिखा है, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच, जिस तरह से तुम जाति जाति के बीच, जिस तरह से तुम जाति जाति के बीच, ध्यान दीजिएगा, जाति जाति के बीच श्राप के कारण थे, क्या कारण थे, जोर से बोलिए, क्या क्या कारण थे, श्राप के। आपको कोई देखना पसंद नहीं करता, आपके वजूद को एक नकारा जा रहा है, दुनिया आपको देखना पसंद नहीं करती, दुनिया आपके साथ कोई रिफाकत रखना पसंद नहीं करती, दुनिया आपके साथ सहभागिता तो छोड़िए, आपको कोई काम देना पसंद नहीं करती। समय आ रहा है, पसंद नहीं करते, हम तुमको पसंद नहीं करते, हम तुमको रहने नहीं देंगे, हम तुमको तहे तहे कर देंगे, तुम्हारे घरों को जला देंगे, तुम्हारे खानदानों को मिटा देंगे। तो खुदा का खलाम कह रहा, फिर से पढ़िए इसी आयत को, हे यहूदा के घराने, हे यहूदा के घराने और इसराइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच, जिस तरह तुम जाति जाति के बीच श्राप के कारण थे, श्राप के कारण थे, क्या है के कारण थे, श्राप के। सोचते थे छुप के रह ले यार, आज चर्च नहीं जाएंगे, तुम्हें पता चला है गड़बड़ हो रहा है, आज हम नहीं बैठेंगे, आज दुआ नहीं करेंगे, आज बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हम श्राप के कारण थे। आगे पढ़िए इतनी मुन्नवा क्या है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। जोर से बोलिए, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। और उद्धार मतलब है छुटकारा, छुटकारा ये इतना हल्का शब्द नहीं है, ये वजनदार है, छुटकारा हो जाना। ये उनसे पूछो जो बंदी गृह में रहते हैं, जिनका छुटकारा हो जाता है। मैं तुम्हारा क्या करूंगा, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। और तुम आशीष के कारण हो, और तुम आशीष के कारण हो गए, कारण हो गए। अरे श्रापित लोगों, तुम आशीष के कारण हो गए। अभी तक श्राप था, अभी तक तुमको कोई बगल में रहने नहीं देता था, यहां से हटाओ, यहां तो तुम्हारी कार नहीं रहेगी, हट जाओ, तुम आशीष का कारण होगे, तुम आशीष का कारण होगे। कहिए मैं आशीष का कारण होगा एक दिन, मेरे खुदा ने जलन में, जलजलाहट में इस बात को ठान लिया है कि वो सय्योन को बसाएगा और यरूशलेम को निर्धारित करेगा, और तुम्हारा निवास यरूशलेम के अंदर, तुम्हारा निवास यरूशलेम होगा। और आखिरी एक आध बातें बढ़ाकर खत्म करूंगा, निकाल लीजिए मेहरबानी से इसी के 20-21-22-23 पद को, बड़ी जोर क्या कह रहा है ये नाव का यहोवा, यूं कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग, कि देश, ध्यान देके सुनिएगा, कान लगाइएगा, देश देश के लोग, और बहुत देश देश के लोग, मैं एक देश
देश की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं चर्चा कर रहा हूं देशों की, मैं चर्चा कर रहा हूं विश्व की। विश्व में जितने देश हैं, देश देश के लोग हां, और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे, और आपके देश में बहुत नगरों के रहने वाले लोग आएंगे, और एक नगर के रहने वाले और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर दूसरे नगर के, एक कानपुर नगर के रहने वाले लोग दूसरे नगर में, और दूसरे नगर के तीसरे नगर में, एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के लोग पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने, अरे यहोवा से हाथ जोड़ने, विनती करने, हाँ, और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो, और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो। कहाँ? अरे हम तो श्राप के कारण थे, हम तो बेकार लोग थे, हमको तो नकारा गया था, लेकिन वन डे इज कमिंग सून, यस, व्हेन people will gather from different cities, from different countries, and they will tell you, and they will say to you, come along with me, mere saath ho jao, aur aao hum Yehovah ko dhoondne, aao hum Yehovah ko dhoondne, aao hum Yehovah ko dhoondne, ek din aane wala mere dosto, mere bhaiyo, mere bachcho, एक दिन आने वाला है जब लोग कहेंगे आओ हम यहोवा को ढूंढने। आगे पढ़िए, मैं तो जा रहा हूं। मुझे बड़ी बात अच्छा लगा, मजा आ गई। कह रहा है आओ हम यहोवा को ढूंढने और मैं तो जा रहा हूं। बोलिए क्या कहा? मैं तो जा रहा हूं। आप लोग जब कभी कोई बात कहते हो तो अक्सर ये होता, भैया तुम चलोगे? अगर तुम चलोगे तो हम चलेंगे, तुम बैठोगे तो हम बैठेंगे। लेकिन एक समय आने वाला है नगर नगर के लोग, जात जात के लोग आकर कहेंगे आओ हम चलें। किसको ढूंढने? यहोवा को ढूंढने चलें। और मैं तो जा रहा हूं। मुझे याद आ रही है वो बात जब हेरोदेस बादशाह के पास तीन राजा आए, और कहा जाता है चार राजा थे, और वो राजा आए और कहने लगे, कहने लगे हमने सुना है कि यहूदियों का बादशाह एक पैदा हुआ है, कहां है? उनका जाकर ढूंढो और मुझे बता देना, जब वो मिल जाए तो बता दे, मैं भी जाकर उसको दंडवत करूंगा। अरे राजा, तुमको चलने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है? तुम राजाओं के साथ जा रहे हो। वो तीन राजा मशरिक के थे, उन राजाओं के साथ जाने में तुमको तकलीफ हो रही है। मैं तो जा रहा हूं। तो राजा भी कहेगा, हेरोदेस बादशाह भी कहेगा, मैं भी चलूंगा। आपके दुश्मन आपसे कहेंगे मैं भी चलूंगा, आपके दुश्मन कहेंगे मैं भी चलूंगा। आगे बढ़िए प्लीज। बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग, आखिरी कर रहा हूं, बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग, किनको सामर्थी मानते हैं? आपका देश भी सामर्थी हो रहा है ना? Do you believe it? आपका देश भी सामर्थी हो रहा है। अमेरिका सामर्थी है, रशिया सामर्थी है, यूक्रेन बड़ा सामर्थी है, बड़े सामर्थ्य तरीके से लड़ रहा है वो, और बहुत से देशों के सामर्थी लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए, और यहोवा से, अभी पहले लिखा था यहोवा, मैं तो जा रहा हूं और तुम